So today, welcome students to our new lecture, and this new lecture is about speed control of induction motor, right? So अगर मैं स्पीड कंट्रोल का रिलेशनशिप लिखूंगा, so the relation The relation between synchronous speed and rotor speed can be given as, you know, slip is what? Slip is ns minus nr upon ns, right? तो यहाँ से अगर मैं nr को equate करूँ, तो nr किसके बराबर में लिख सकता हूँ? nr can be written as ns into 1 minus slip. ये drive कर सकते हो आप, right? Therefore what we can say is rotor speed is nothing nr, which is equal to 120 f by p, this is into 1 minus s, right? इस तरह से हम रोटर स्पीड को लिख सकते हैं, ठीक है? सो अगर मैं इस तरह से रोटर स्पीड को लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरी जो इंडक्शन मोटर की स्पीड है, जो कि रोटर की स्पीड होती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? सो आई कैन राइट स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर depends upon, now what are the factors? Factors are, number one is your slip, you can say. Number two, we can say it's your frequency of status supply, right? और उसके बाद तीसरा फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड वाला ही हो गया. अब बच गया हमारा तीसरा, आ गया आपका नंबर ऑफ पोल्स. सो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो हमने टॉर्क का रिलेशन भी देखा था, कि टॉर्क के रिलेशन में हमने देखा था कि टॉर्क वाज जो टॉर्क था हमारा, वट वॉज प्रोपोर्शनल टू वी वन स्क्वेयर, आपने पीछे एक इक्वेशन में हमने निकाला था. सो वी कैन, दैट मीन्स कि बाई चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज, बाई चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज ऑल्सो वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ इंडक्शन मोटर. सो ये आपके फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो वन बाई वन वी विल डिस्कस दिस मैथड्स, ओके? फाइन, इसको मैं मिटा देता हूँ. सो सबसे पहले मेरा फैक्टर आ जाएगा कंट्रोल ऑफ स्पीड बाय चेंजिंग स्लिप, राइट? ये मेरा पहला. स्लिप से हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने देखा था, पीछे हमने बताया था आपको कि टॉर्क स्लिप, अगर मैं स्पीड का जो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरह से, राइट? सो इस तरफ को अगर मैं टॉर्क लेता हूँ, सो इफ आई टेक टॉर्क दिस साइड, एंड अगर मेरी स्लिप ऐसे को आती है और मेरा जो टॉर्क स्पीड है वो इस तरफ को आता है, राइट? सो वी कैन हैव थ्री डिफरेंट कर्व्स. इस तरह से मैं तीन डिफरेंट कर्व्स बना सकता हूँ ऐसे, राइट? एक ये आ जाएगा मेरा, एक इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक है? और एक मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है? सो आई कैन हैव दी थ्री कर्व्स. ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है,
ठीक है। हाँ कर्व मैं इसको लिख सकता हूँ ए, इसको लिख सकता हूँ बी, और इसको लिख सकता हूँ सी। इस तरह से मैं वेक्टर सिक्स बना देता हूँ, राइट। यहाँ पे जो मेरी आर थ्री है इट इज़ ग्रेटर देन आर टू एंड आर टू इज़ ग्रेटर देन आर वन। सो ये मैंने जब कर्व बनाई थी हमने पहले भी देखा था, जो मेरा जो स्लिप है, मेरी जो स्लिप है दैट कीप्स इंक्रीजिंग। इफ़ यू सी फॉर रेजिस्टेंस द स्लिप इज एस वन, फॉर दिस माई स्लिप इज एस टू, फॉर दिस माई स्लिप इज एस थ्री, राइट। सो चेंजिंग स्लिप से जो है हमने देखा था, जो मैंने फार्मूला आपका निकाला था, एन आर वॉज, वॉट वॉज एन आर, एन आर वॉज इक्वल टू 120 एफ बाई पी वन माने से। तो स्लिप, अगर मैं स्लिप वेरी करता हूँ तो मेरी जो रोटर की स्पीड है वो वेरी होती है, और जो मेरी स्लिप वेरी करनी है वो मेरी कहाँ से मैं वेरी कर सकता हूँ, रोटर की रेजिस्टेंस से। जो दिस आर वन आर टू आर थ्री आर नथिंग बट दे आर रोटर रेजिस्टेंसेस। तो रोटर की, बेसिकली रोटर की रेजिस्टेंस को वेरी करके, ठीक है, मैं स्लिप को वेरी कर सकता हूँ। सो रोटर के रेजिस्टेंस को मैं वेरी कर सकता हूँ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो आई कैन लाइक रोटर में रेजिस्टेंस में ऐड कर सकता हूँ, राइट। लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, बिकॉज दैट इज उसका उसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस। सो स्लिप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग इसको रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे मेरे को स्लिप चेंज करने में इश्यू है, राइट। क्लियर। सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि रोटर साइड पे हमारे जो है वो सर्किट जो है हमारा ऐड हो सकता है वहां पे, तो हम लोग रोटर सर्किट में रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं, थस वी कैन राइट हियर, थस द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी वेरिड बाई बाई चेंजिंग दी रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, राइट। अब क्योंकि इस मेथड को जनरली हम लोग, इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं इस मेथड के। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज, अब सबसे पहले देखें, जैसे आप रोटर के रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो क्या होगी हमारी, कि एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। सो आई विल हैव डिक्रीज्ड एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे हमारे इन रोटर सर्किट। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस रोटर सर्किट बढ़ जाएंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो पुअर हो जाएगी, ठीक है। सो दूसरा, अब नेचुरली रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस, यू नो व्हाट इज रोटर आई स्क्वायर लॉसेस। सो रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस को हम वैसे भी लिख सकते, रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस हमने निकाला था, ये आई स्क्वायर लॉसेस ये थे क्या, इट वॉज स्लिप इंटू रोटर इनपुट था, ये हमने रिलेशन निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर स्लिप हमारी इंक्रीज होती है तो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है, फाइन। दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है कि जो स्पीड वेरिएशन है दैट रेगुलेशन इज पुअर, सो दिस इज पुअर स्पीड रेगुलेशन, पुअर स्पीड रेगुलेशन जब व्हेन मोटर इज वर्किंग विथ, माय मोटर इज वर्किंग विथ हायर रोटर रेजिस्टेंस, फाइन। सो दिस आर द टू मेन डिसएडवांटेजेस जिस वजह से हम लोग इस मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं, स्पीड कंट्रोल बाई चेंज ऑफ स्लिप, फाइन। सो सेकेंड मेथड वी कैन यूज इस कंट्रोल ऑफ स्पीड के लिए, दैट कंट्रोल ऑफ स्पीड बाई कंट्रोल ऑफ स्पीड बाई बाय कंट्रोलिंग
सप्लाई वोल्टेज, राइट। सो स्पीड कैन बी, अब हमने देखा जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो टॉर्क था डेट वॉज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर, हमने पहले भी निकाला हुआ है, राइट। सो जो हमारी वोल्टेज है, जो हमारी वोल्टेज है, इफ आई ड्रॉ, यू कैन राइट ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, एंड वी कैन हैव टू, इस तरफ को अगर मैं टॉर्क लेता हूँ और इस तरफ को मैं एन आर लेता हूँ, राइट। सो इस तरह से जो मैं बनाऊंगा इसको, तो दो कर्व मैं बना सकता हूँ ऐसे, इसको एक कर्व ऐसे बना के और दूसरा कर्व ऐसे को बना के, राइट। सो आई कैन शो हियर दैट व्हेन योर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू जीरो पॉइंट नाइन, मान लेते हैं 0.9 वोल्ट फ्रॉम वी, योर टॉर्क विल बी, अब टॉर्कुलेशन है क्या, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, राइट। सो 9 का स्क्वेयर हो जाएगा, सो रिड्यूस्ड टू व्हाट, 0.81 टॉर्क, राइट। So here we can say that this curve, we can say it is at 0.9 volt and it is at 1 volt. So आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका टॉर्क रिड्यूस हो गया, और टॉर्क रिड्यूस हो गया तो टॉर्क स्पीड कर्व जो है हमारी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। सो इस तरह से हम जो है वोल्टेज को, अगर हम सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो हम वहाँ से भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो जो तीसरा मेथड है सप्लाई वोल्टेज को, हो गया आपका इसका स्लिप का, हो गया हाउ वी कैन कंट्रोल स्लिप। नाउ वी कैन शो दैट हाउ स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कंट्रोल ऑफ स्पीड बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए मतलब व्हाट वी वांट टू हैव इज, वी वांट टू हैव अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से हम लोग, एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से जो है यहाँ पे, आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, आई कैन हैव SCRs बना के इस तरह से, यू कैन हैव, दिस इज योर इन्वर्टर, इन्वर्टर को यहाँ पे आपको, दिस इज योर फेज कंट्रोल सर्किट, राइट। यहाँ पे वी कैन हैव थ्री फेज, ये आपकी थ्री फेज सप्लाई इनपुट है, राइट। सो यहाँ से आप इन्वर्टर से थ्री फेज को आप डीसी में कन्वर्ट करेंगे, उसका डीसी वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल हैव हेयर एंड फ्रॉम देयर वी कैन हैव, यहाँ से आप वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा दो, उसके बाद यहाँ पे आप इसको इन्वर्टर का फायरिंग सर्किट बना के इन्वर्टर, दिस इज योर इन्वर्टर फायरिंग सर्किट, राइट। सो यहाँ पे आपका एक फिल्टर लगा देते हैं, और यहाँ से आप जो है एक इन्वर्टर फिर से आपको, आपको जो है क्योंकि आपने एसी से डीसी किया, तो आपको जो फिर से आपको एसी चाहिए, लेकिन ये जो एसी मिलेगी ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी। ये तो वोल्टेज भी आपने वेरी करी, थ्री फेज वोल्टेज
थ्री फेज वेरिएबल वोल्टेज, यू कैन राइट डाउन वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आउटपुट, फाइन। सो इस तरह से आप एक जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का स्पीड कंट्रोल का आप जो है सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हमने थ्री फेज सप्लाई दी, उसको इन्वर्टर से हमने डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी को वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट किया, राइट। वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करके फिर हमने इसको थ्री फेज सप्लाई को फिर से आपका डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट किया, और वो जो एसी हमें मिलेगी वो थ्री फेज वेरिएबल वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो विद दिस टाइप ऑफ सर्किट वी कैन कंट्रोल योर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यू कैन कंट्रोल दी स्पीड, क्योंकि आपका एन आर क्या था, एन आर वॉज इक्वल टू 120 एफ बाई पी अपॉन 1 माइनस एस। क्योंकि क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो आपकी वैसे स्टैंडर्ड है वो है 50 हर्ट्ज की, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज करते हैं तो उससे स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने वेरी करनी है तो यू गॉट टू हैव अ कंट्रोल सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तो इस तरह से आप जो है स्पीड को, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फाइन। सो लास्ट जो तरीका है स्पीड कंट्रोल का वो है आपका पोल्स। सो पोल्स वेरी करके भी आप इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, राइट। लेकिन पोल में क्या है कि क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वो तो वाउंड हो जाएगा डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स के लिए, जैसे 8 पोल के लिए, 6 पोल के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही इंडक्शन मोटर की स्पीड होगी। अगर 8 पोल की होगी, 6 पोल की होगी तो 6 पोल के अकॉर्डिंगली स्पीड होगी, 8 पोल की तो 8 पोल के अकॉर्डिंगली स्पीड होगी, राइट। सो स्टेटर में हम लोग इनिशियली क्या कर सकते हैं, जब हम लोग वाइंड करते हैं स्टेटर को, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वाउंड दैट स्टेटर विद टू सेट्स ऑफ वाइंडिंग। एक सेट वाइंडिंग हम 6 पोल के लिए कर सकते हैं और दूसरा सेट हम 8 पोल के लिए कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली जब आप 6 पोल के लिए वाउंड रोटर को यूज करोगे तो आप सॉरी स्टेटर को यूज करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो 6 पोल के लिए होगी। अगर आप 8 पोल के लिए यूज करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो 8 पोल के लिए यूज होगी। सो कंट्रोल ऑफ स्पीड बाय पोल चेंजिंग, ठीक है। सो पहला क्या आ गया आपका कि आपने स्पीड कंट्रोल यूजिंग टू सेपरेट वाइंडिंग्स ऑन स्टेटर, राइट, ठीक है। तो आपने दो स्टेटर में दो सेट ऑफ वाइंडिंग्स लगा लेंगे। सो 6 पोल के लिए वी कैन हैव डिफरेंट स्पीड एंड फॉर 8 पोल वी कैन हैव डिफरेंट स्पीड, राइट। एक दूसरा मेथड होता है, वी कॉल दैट स्पीड कंट्रोल यूजिंग कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट पोल टेक्निक, राइट। सो कॉन्सिक्वेंट पोल टेक्निक में व्हाट वी डू इज एन अल्टरनेट मेथड इज टू बी यूज्ड, ओनली वन वाइंडिंग इज बाउंड फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोल, बट द एंड कनेक्शन ऑफ दैट कॉइल विद द स्प्लाइस चेंज्ड सच दैट डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स आर फॉर्मड, ठीक है। सो जो एंड पॉइंट है अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आप कॉइल्स के कनेक्शन को अगर आप चेंज करेंगे तो आप जो है अलग दो सेट ऑफ वाइंडिंग्स को वाइंडिंग्स का कम्बिनेशन ले सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको एक डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे आप देखें तो दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल, ये दो वाइंडिंग है अगर आप देखें तो ये ऐसे को कनेक्टेड है, ये भी ऐसे को कनेक्टेड है, ये ऐसे को कनेक्टेड है और ये यहाँ से इसको आउटपुट लिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो इसी वाइंडिंग को मैं कैसे कनेक्ट, ऐसे भी कनेक्ट कर सकता था, सो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ यहाँ से आ रहा था,
यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्शन लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सीरीज कनेक्शन लगाया हुआ। सो कम्बिनेशन हैविंग टू सेपरेट वाइंडिंग ऑन द स्टेटर बाय सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन कॉइल दैट अलाउज अप्लाई फोर डिस्टिंक्ट स्पीड ऑफ द, तो ये इस कनेक्शन से अलग स्पीड आप ले सकते हैं, इस कनेक्शन से आप अलग स्पीड ले सकते हैं, राइट। सो ये आपका वन आ गया, इसको वन डैश कर सकते हैं, ये टू है तो टू डैश कर सकते हैं। सो ये इस तरह से आपका जो है नॉर्थ है, ये वाला आपका साउथ पोल आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका कॉन्सिक्यूटिव नॉर्थ पोल आ जाएगा, क्लियर है। तो वो एक कॉन्सिक्यूटिव पोल टेक्निक है, इसमें हम लोग एंड कनेक्शन से जो आपका कनेक्शन है वाइंडिंग के, एंड कनेक्शन से हम इस तरह से कम्बिनेशन करके टू सेपरेट वाइंडिंग ले सकते हैं स्टेटर पे और उन पे हम कॉन्सिक्यूटिव स्पीड्स को वेरी कर सकते हैं। सो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा टेक्निक्स स्पीड कंट्रोल की। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया, पोल से कंट्रोल किया, स्लिप से कंट्रोल किया, एंड जो स्टेटर की वोल्टेज है उससे भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।